हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है लेट मी ओपन द ओके। सो 4th of July एंड हम सब यू नो आफ्टर लॉकडाउन गोराई बीच जा रहे हैं एंड देखते हैं कि गोराई बीच खुला है कि नहीं। हम लोगों को ज़्यादा आइडिया है नहीं क्योंकि जुहू तो अभी फ़िलहाल बंद है, तो गोराई यहाँ से पास में है सो हम वहाँ जा रहे हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूं। एंड ट्रिशा का ये फर्स्ट यू नो एनी बीच एक्सपीरियंस रहने वाला, सो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होने जा रहा है। सो दिस इज़ द आउटफिट। थोड़ा कम्फी पहनना चाहती थी बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सो जो दिखा वो पहन लिया मैंने। सो सब जा चुके हैं नीचे, बस मैं ही यही हूँ। सो फटाफट ये बंद करते हैं विंडो। बाय द वे ये मेरा हाथ जल गया था कुकर से, सो अभी तक यू नो भरा नहीं है घाव। सो यहाँ से हम बंद करते हैं लाइट एंड चलते हैं। सब कुछ पैक कर दिया है, दिस इज माई बैग, ओके माई मास्क, लेट्स गो। यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत मुझसे होती हुई नहीं, हम कर चुके हैं और हम जा रहे हैं गोराई बीच। और मैडम ने आपको बताया नहीं और पहले ही ब्लॉग की शूटिंग कर चुकी हैं। अभी हम पेट्रोल पंप पर हैं और ट्रिशा को आप देख सकते हैं कि अपने दोनों पैरों पे इस तरीके से बंदर की तरह खड़ी है और कुच्चू के ऊपर जंप करने ही वाली है। या तो कुच्चू भोंकेगा या ट्रिशा गिरेगी, कुछ तो होगा। और हमारे साथ कन्हैया भी है, और हमारे साथ आज पहली बार पहली बार मुंबई दर्शन पे जा रहा है। मुंबई दर्शन नहीं, समुंदर दर्शन। और कुछ? और बस आज के लिए इतना ही, नहीं अभी के लिए इतना ही, फिर आगे जाके और सी द क्राउड। आना है दोनों, आना है मम्मा पास। शुरू तक मेरी है, क्या हुआ? अरे मेरा इसीलिए बॉम्बे में कहीं जाने का मन नहीं करता है, ट्रैफिक के मारे परेशान। हाय, सो वी आर बैक, बट ना बहुत बड़ी बड़ी चोट हुई क्योंकि मैं आपको यू नो अभी दिखाया था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे। सीरियसली बहुत ट्रैफिक था और संडे था जिसकी वजह से शायद ज़्यादा ट्रैफिक था। और लाइक अस सभी फैमिलीज़ को लेके आई थिंक वहीं बीच ही जा रहे होंगे। एंड सो शानू का कहना था कि ट्रिशा परेशान हो जाएगी, हम इतना वेट करेंगे और वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा तो वो हम लोगों के लिए सेफ भी नहीं रहता। सो वी डिसाइडेड टू कम बैक। तो हाँ, अभी सिनेरियो ये है कि ट्रिशा शानू दोनों सो रहे हैं एंड मैं कपड़े अपने चेंज करूँगी। वैसे आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं व्लॉग करूँगी, बट हाँ हम लोगों का प्लान हुआ बाहर जाने का तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम व्लॉग कर लेते हैं। और मैंने कल यू नो बैल्कनी डेकोर वीडियो शूट किया, वो मैं एडिट अब बैठ के करूँगी थोड़ा देर से। आई थिंक मैं चाय बनाऊँगी उसके बाद मैं एडिट करूँगी। एंड लेट मी शो यू आउटसाइड ऑफ माई हाउस। सो दिस इज़ द व्यू, सनी है आज का डे। सो चलो बनाते हैं चाय और मैं करूँगी वीडियो एडिट। और सबसे पहले मैं ना कपड़े बदल लूँगी, थोड़ी कुछ कंफर्टेबल पहन लेते हैं बिकॉज यू नो डेनिम में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, कोई भी नहीं करता। ओके, जेंसी सबसे कंफर्टेबल आउटफिट में मैं आ चुकी हूँ, दैट इज़ यू नो पीजेस जो सबसे कंफर्टेबल होते हैं, या फिर आप कॉट सेट्स भी ले सकते हो घर के लिए। सो थिंग इज कि हो क्या रहा है ना, अच्छा पहले हम चाय बनाते हैं, चाय बनाते बनाते मैं आपसे बात करती हूँ। सो लेट्स गो। मुझे ना आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, लाइक मैंने अपने किचन में बहुत सारे अपडेशंस किए हुए हैं एज यू कैन सी। सो मोस्ट प्रोबेबली
किसी ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि मैंने अपने किचन में और क्या अपडेट किया हुआ है। इससे पहले मैंने एक मेरा किचन डेकोर वीडियो डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके मेरा किचन डेकोर वीडियो देख सकते हो। और हो सकता है कि मैं एक और आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ कि मैंने अपने किचन को और क्या अपडेट किया है। करंटली जो भी मैंने अपने किचन में अपडेट्स किए हैं वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूँगी किसी और वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली कोई डेकोर वीडियो ही होगा, किचन डेकोर वीडियो, उसी में ही मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड तो होता क्या ना कि बीच बीच में मैं गायब इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि बहुत समय से ऐसा होता आ रहा है, लाइक जब तो शायद 9 या 10 महीने की थी, कि वो हर महीने ही बीमार पड़ रही है। लाइक जब भी मंथ एंड आता है तो वो बीमार पड़ती है, और जब हम इसके पहले अप्रैल और मई में अपने घर मम्मी पापा के पास जब मैं गई हुई थी तो वहाँ वो बीमार नहीं पड़ती थी लकीली। यहाँ जैसे ही हम आते हैं मुंबई में वो बीमार पड़ जाती है कि ये शायद वेदर के कारण बीमार पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे का वेदर सबको सूट नहीं करता। लाइक मी, मुझे भी बॉम्बे का वेदर इतनी जल्दी सूट नहीं करता है। मैं होता है आई गेस कि कई बार बच्चों के साथ या हम लोगों के साथ ही हमको कोई कोई जगह सूट नहीं करती, तो सेम विद ट्रिशा। इसी की वजह से मैं कई बार जब वो बीमार पड़ती है ना तो उस समय मैं ब्लॉग या वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस समय पे बच्चे को ना पूरे समय बच्चे को ही टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ मेरे चिपक जाती है गले से और उतरती ही नहीं। इवन उस समय कुकिंग भी शानू को करना पड़ता है, अगर कन्हैया नहीं रहता है तो, कन्हैया मेरा हेल्पर है जो कुक है, तो शानू को कुकिंग करना पड़ता है। तो मैं भी कुकिंग नहीं कर पाती क्योंकि मुझे एक सेकंड नहीं छोड़ती, तो ब्लॉगिंग करना तो दूर की बात है। सो आई प्रे टू गॉड कि अब वो बीमार ना पड़े। सो ये है रीज़न। आप सबको लगता होगा कि मैं रेगुलर नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है, होता यही है कि लगभग वो 5-6 दिन के लिए बीमार पड़ जाती है, तो उसी में पूरा टाइम चला जाता है। तो ये है अपडेट, और मैं बना लेती हूँ फटाफट से चाय। एडिटिंग का काम शुरू कर देती हूँ। टेस्टी मंगवा, टेस्टी टेस्टी बेस्टी पोस्टी चिप्स फोक्स सब मंगवा। तेरा ने छम मंगवा लिया मम्मा। कुकी खाना है को? क्या होता है? कुकी खाना, कुकी वाली बिकी खाना है को? जानू, 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 क्या हुआ? आज घूम ही गए थे। सोच रही होगी। घूम रहे थे, घूम रही थी। ऑयल का है शानू? नहीं ऑयल का नहीं देना, एक लो फिंगर चिप्स, योर डैड्स फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। इसको फिंगर चिप्स भी बोलते थे ना एक समय पे, फ्रेंच फ्राइज को फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं। तो अभी हुआ ये कि श्रिशा बिल्कुल भी मुझे एडिट करने नहीं दे रही, मैं आधा वीडियो एडिट कर पाई हूँ, और अब इसको डिनर कराएंगे। एंड यहाँ पे हियर शी इज, लैपटॉप ऑपरेट कर रही है। ये रहा इसका खिचड़ी। कभी कभी बच्चे बहुत भयानक परेशान करते, जैसे कि आज त्रिशा कर रही है, इवनिंग में भी इसने कुछ नहीं खाया है, सो के उठी उसके बाद से, अब खा रही है और अभी भी इतने नखरे हैं इसके भी। त्रिशु मैं को लगा दो मम्मा को, मम्मा लगा रही लुलू किड्स। Thank you.
दही जमाने आई हुई हूँ। सो उसके बाद हमारा प्लान है कि हम वॉक पे जाएंगे और मैं दही और दूध का ठंडा होने का वेट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ट्रिशा क्या कर रही है। शान उसको नीचे पहना दो जब तक मैं दही कर दूँ ना, आप मैं दही जमा रही हूँ। एक्चुअली दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, उसका वेट कर रही हूँ। डोनो चेंज योर क्लोथ, कम गो टू जायदा, कपड़ा पहन लो फिर अपन चलते हैं ना। शी इज सुपर एक्साइटेड, फिर चलना ना शूज पहन के। हाँ गो शू कम कम नो नो चलो 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 कपड़ा कम डोनो, फिर मम्मा जा रही हैं। जानू पापा बुलाए, पापा से तो ऐसा भक्ति है अपना। जानू गो गो चलो 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 अन्नो पापा रोया, हाँ जैसा रोया। अरे 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 बाप रे यस ये हो गया ठंडा। फिर बिना सा दूध चाहिए होता है तो पहले आप दूध डालो, बहुत गर्म दूध नहीं होना चाहिए। यार जो दही होता है ना वो थोड़ा फटा हुआ रहता है, मतलब बिल्कुल ऐसे थक नहीं जमा रहता है। तो मैंने एक वीडियो सर्च करी थी, उसमें मैंने देखा था कि दूध बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत कुनकुना सा मतलब हल्का सा ठंडा ही हो। उसमें दूध डाला, उसके बाद सेंटर पे जो जामुन है वो डाला, उसके बाद यहाँ कॉर्नर पे मतलब चारों तरफ आपको दही का जामुन डालना है। और ये मैं फर्स्ट टाइम ये मेथड ट्राई कर रही हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है। सो मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी कि इस प्रोसेस से दही कैसे जमता है। ओके और इसे ज़्यादा हिलाना नहीं है, तो हम इसे हिलाएंगे नहीं, स्लोली यहाँ रख देंगे। हिल गया, हालांकि देखते हैं कल क्या होता है। ओके सो वी आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक और मैं आपको, हो सकता है मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर दूँ और मैं आपको कल ज़रूर दिखाऊंगी कि दही कैसा जमा। और अब आपको सीधे मिलूंगी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इज दही की कंडीशन, एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए तो वैसा तो नहीं है बट ठीक है। और इसमें ज़्यादा दही का नहीं मैंने निकाल दिया, सो ठीक ठाक ही दही बना है। जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा तो बिल्कुल नहीं आया, फिर ट्राई करूँगा।